नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। साथी न्यूज रूम से हमारे स्विगी सुमित शर्मा आपके साथ लगातार जुड़े हुए खास खबरों को लेकर सीधे न्यूज रूम से आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की। सबसे पहले खंडवा से इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बीजेपी विधायक को जान का खतरा है। बीजेपी विधायक राम दागोरी ने सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया में भी सामने आके कहा है कि मुझे दलालों से खतरा है, विधायकों के खिलाफ नकारात्मक माहौल बनाया जा रहा है, हमको फंसाने का काम करवाया जा रहा है, दलाल लोग जन प्रतिनिधियों की टांग खींच रहे हैं, हमारा एक्सीडेंट कराने की साजिश हो रही है, राम दागोरी की तरफ से कहा गया। टिकट कटवाने के नाम पर ब्लैकमेल करते हैं, शिक्षा सड़क चिकित्सा सिंचाई के काम करवाए जा रहे हैं और साथ ही साथ ठेकेदार जमकर दलाली कर रहे हैं, दलाल सरकार की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। विधायक राम दागोरी की तरफ से मीडिया के सामने खुद आकर ये सब कहा गया है। ये विधायकों की टांग जनप्रतिनिधियों की टांग खींचने का काम कर रहे हैं। सब 5,000 करोड़ रुपए पर इनकी नियत खराब हो चुकी है, इसलिए विधायकों के खिलाफ नकारात्मक नैरेटिव सेट करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए को इकट्ठा करके इनके खिलाफ नकारात्मक माहौल बनाने का काम किया जा रहा है और कोई हाथ से नहीं किया जा रहा, ये पिछले 15 वर्षों से किया जा रहा है। ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगानी पड़ेगी। हमको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, हमारा एक्सीडेंट करने का प्रयास किया जा रहा है कि कैसे विधायक को डैमेज किया जाए। ये जो दलाल लोग हैं, सहयोगी अमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमित, खुद विधायक की तरफ से ऐसा कहा जाना बेहद गंभीर, क्या जमीनी हकीकत वहां पर, क्या कुछ कह रहे हैं विधायक? जी बता दूं कि चुनावी साल है और चुनावी साल में विधायक अपने जो काम किए हैं अभी तक वो गिनाने की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हैं और उसमें ये पूरी बात कहते हैं। उनका इशारा यहाँ के जो कुछ लोग हैं उनके ऊपर है, वो लोग कौन है उनके नाम उन्होंने नहीं बताए हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि दबाव बनाने की राजनीति की जा रही है, अगर हम कोई काम करते हैं तो उसमें अड़ंगा लगाते हैं और ब्लैकमेलिंग की जाती है, ये कहा जाता है कि टिकट कटवा देंगे। इसका मतलब ये ये निकाला जा रहा है कि ये लोग उन्हीं की पार्टी के कोई लोग हो सकते हैं और उन्होंने ये बात भी कही है कि 15 वर्षों से लगातार हो रहा है, तो मतलब ये जो उनके आरोप हैं ये उनके अपने ही लोगों से हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो काम लेते हैं यहाँ कम दरों पर काम लेते हैं, फिर वो कामों को पूरा नहीं करते हैं और इस तरीके से विकास कार्य को प्रभावित करते हैं। तो विधायक ने एक बड़ी बात कही कि ब्लैकमेलिंग की जाती है, ये लोग हमारा एक्सीडेंट भी करवा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के ये विधायक हैं। इस तरीके का इनका जो बयान आया है उसके बाद विपक्ष भी इस पूरे मामले पर इन पर कटाक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमें जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं जबलपुर से अगली बड़ी खबर, जहां बदमाशों ने जमकर मारपीट की है। पुजारी के साथ बदमाशों ने मारपीट की है, खीरमाई मंदिर के पुजारी कुलदीप तिवारी के साथ मारपीट की घटना। बाइक से बदमाश पहुंचते हैं और पहले युवक को पूरी तरह से पीटा जाता है, बीच बचाव करने के लिए जितने भी लोग आए उनकी भी पिटाई, साथ ही पुजारी भी बीच बचाव करने के लिए पहुंचे थे लेकिन अचानक से उनके साथ भी मारपीट की घटना शुरू हुई। सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो चुकी, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों के सामने ये सब चलता रहा। नीमच से अगली बड़ी खबर, जहां बीजेपी के जिला अध्यक्ष का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। बीजेपी जिला अध्यक्ष का वीडियो वायरल होते ही महिला कर्मचारी से अभद्रता करना सामने आया है। 51 रुपए के लिए टोल कर्मी से उलझने के लिए जिला अध्यक्ष सामने आ गए अनिल नागौरी, धमकाते हुए काली गलौज करते हुए नजर आते हैं। पिपलिया मंडी टोल टैक्स की टोल प्लाजा की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष का ये वीडियो अब लगातार वायरल होता हुआ, महिला से अभद्रता और गाली गलौज करने का आरोप है। महज 51 रुपए का टैक्स चुकाने को लेकर अभद्रता करते हुए बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष नजर आए। उज्जैन की अब हम खबर आप तक पहुंचाएं, जहां शिप्रा नदी में लंबे समय से गंदा पानी मिलने की सूचना सामने आ रही थी। इसे लेकर एक और बड़ी जानकारी कि नालों का गंदा पानी मिल रहा है शिप्रा में। रामघाट पर ओवरफ्लो हो रहे हैं नाले, नालों का पानी नदी में जाकर मिल रहा है और साधु संतों ने इसे लेकर पहले भी आक्रोश जाहिर किया था और एक बार फिर इसी तरह के आक्रोश जाहिर करते हुए कार्रवाई की मांग को लेकर संत लगातार अड़े हुए। तो
बदमाश आमतौर पर एटीएम और बैंक को पैसों के लिए निशाना बनाते हैं, लेकिन एक अलग ही मामला सामने आया है जहां पर कुछ बदमाशों ने एटीएम में पैसों के लिए नहीं बैटरी की चोरी की है। जी हां, ये भिंड का मामला है जहां पर बदमाश बैटरी की चोरी करते हुए नजर आए एटीएम से, और देहात थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पास स्थित एसबीआई एटीएम में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। एटीएम के गेट को तोड़कर बैटरी ले जाते नकाबपोश चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। वहीं खंडवा पुलिस ने एमपी सहित दूसरे राज्यों में धरपकड़ की है और कई वारदातों में शामिल बदमाशों को यहां पर गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं और 12 लाख का सामान भी पुलिस ने जब्त किया। इन आरोपियों से आरोपियों ने खंडवा के 3 अलग अलग थाना इलाकों में चोरी की 7 वारदातों को अंजाम दिया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले इन्हें दबोच लिया गया। आरोपियों पर खंडवा सहित अन्य राज्यों में अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज है। रिमांड पर लेकर आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। आगे बढ़ते हैं, बात करें कि खरगोन की जहां सरकारी अस्पतालों में एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। जिरानिया सरकारी अस्पताल की हम बात कर रहे हैं जहां पर लापरवाही देखी गई। सर्पदंश पीड़िता के इलाज के बाद झाड़फूंक करवाई जा रही थी। 2 घंटे तक अस्पताल में झाड़फूंक का दौर चलता रहा। हालत गंभीर होने के बाद जिला अस्पताल उसे रेफर किया गया। रास्ते में किशोरी ने दम तोड़ दिया। घर में ही सांप ने किशोरी को काटा था और अस्पताल में इलाज देने के बदले झाड़फूंक करवाया जा रहा था। और भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां निशा बांगरे को नोटिस जारी हो चुका है। डिप्टी कलेक्टर के पद से इस्तीफा देने का मामला बीते दिनों सामने आया था। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से नोटिस जारी हुआ है। सरकारी आवास पर अवैध रूप से कब्जा रखने का आरोप इस नोटिस के जरिए लगाया गया है। पहले निशा बांगरे की तरफ से कहा गया कि सर्वधर्म सभा में शामिल होने की अनुमति शासन ने नहीं दी, इसलिए पद से इस्तीफा दिया है। रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां शासकीय जमीन पर कब्जे को लेकर जमकर हंगामे की स्थिति देखने को मिली। आपस में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भिड़ गए। वार्ड 54 के बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हुआ और विवाद का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। दोनों पक्ष के लोग थाने भी पहुंचे और थाने में पूर्व विधायक नंदे साहू ने मध्यस्थता कराई है। टिकरापारा थाना क्षेत्र का ही पूरा मामला। युगल ज्यादा जानकारी देंगे। युगल, क्या था पूरा विवाद? देखिए अवंतिका, ये शासकीय भूमि पे कब्जे को लेकर के भाजपा नेता और जो कार्यकर्ता है उसके बीच की ये झड़प हुई। काफी तीखा नोकझोंक हुआ और उसी का ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। वार्ड नंबर 54 का में ये पूरी जो वाद विवाद है वो हुआ है और उसे लेकर के दोनों पक्ष वहाँ टिकरापारे थाना पहुंचे हुए थे और इस बीच भाजपा के पूर्व विधायक ने वहाँ पर मान मनोबल करके समझौता कराया है। तो ये जमीन कब्जे को लेकर के ये पूरा वीडियो है वो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जी अवंतिका, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं बड़वानी की ओर अब रुख करेंगे, जहां बागेश्वर धाम महाराज ने हिंदू राष्ट्र के एक बार फिर से हुंकार भरी है। कहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही होगा। हिंदू जाग रहा है, एकजुट हो रहा है। बागेश्वर महाराज की तरफ से कहा गया है कि धर्मांतरण करने वालों की गठरी भी बंधेगी, ठठरी भी बंधेगी। धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ एक बार फिर से आवाज उठेगी। अरे बन नहीं है भाई साहब, बता रहे थे आप सोच का रहे हो, बनना ही धर्मांतरण को लेकर क्या कहूंगे। धर्मांतरण अब नहीं चलेगा। अब हिंदू जाग रहा, एकत्रित हो रहा है और अब सब में जागरूकता आ रही है और बहुत जल्दी बालाजी की कृपा से ये धर्मांतरण वालों की छठ। ग्वालियर की ओर अब रुख करेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर हमला बोला है। सीएम शिवराज की तरफ से बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कमलनाथ को लेकर कहा है कि अधिकारियों को धमकाए नहीं, बौखलाहट में अधिकारियों को कोस भी रहे कमलनाथ और चक्की ऐसी चली कि उनकी सरकार ही पिस गई। 15 महीने की सरकार में प्रदेश की जनता पिस गई। आजकल बौखलाहट में वो कभी कर्मचारियों को गाली दे रहे हैं, कभी अधिकारियों को कोस रहे हैं, कई बार वो कहते हैं कि मेरी चक्की बड़ा बारीक पीसती है। उनकी चक्की ऐसी चली कि उनने उनकी सरकार को पीस लिया। कभी वो दिग्विजय सिंह को पीसते हैं, कभी अरुण यादव को पीसते हैं,
कभी अजय सिंह को पीसते हैं और 15 महीना प्रदेश की जनता को ऐसा पीसा तो उनकी चक्की प्रदेश को तबाही के लिए पीसती है। अब वो किसी को बुला लें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और 27 जून का दिन मध्य प्रदेश के लिए बेहद ही खास रहने वाला है क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा है और उसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का एक बयान सामने आया। उनकी तरफ से कहा गया कि भारतीय संस्कृति का परचम लहराने वाला आ रहा है, यानी कि प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं और छोटी इकाई बूथ के कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री बात करने वाली है। आम कार्यकर्ता भी मोदी जी का स्वागत करेंगे। भव्य स्वागत के साथ मध्य प्रदेश में ग्रैंड वेलकम के लिए तमाम तैयारियां की जा रही है। आने वाले 26 और 27 तारीख दो दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि अब 27 तारीख को भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और अमेरिका के अंदर भारत माता का परचम फहराते हुए वो भारत जब पहुंचेंगे उसके बाद वो सीधे भोपाल की धरती, मध्य प्रदेश की धरती पर माननीय प्रधानमंत्री पधार रहे हैं और भारतीय संस्कृति का परचम दुनिया के अंदर फहराने वाला व्यक्तित्व वो बूथ के कार्यकर्ताओं से, भारतीय जनता पार्टी की अंतिम छोटी इकाई से संवाद भोपाल के अंदर करेंगे। चयनित 3000 कार्यकर्ता जो देश भर के आएंगे जिन्होंने बूथ पर अच्छा काम किया है और 10 लाख बूथों पर माननीय प्रधानमंत्री जी यहां से संवाद करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 4 महीने का वक्त बचा है, ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में उज्जैन पहुंचे नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने बाबा महाकाल के दर्शन किए और महाकाल लोक का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि महाकाल लोक के निर्माण में भ्रष्टाचार सरकार ने किया है और 125 करोड़ लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने वाले को जेल भिजवाना चाहिए। वही एमपी कांग्रेस में नियुक्तियों को होल्ड करने और कई फैसले बदलने को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। चुनावी साल में हो रहे उलटफेर को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस इस समय गुटों में बटी हुई है। बीजेपी का ही कहना है संगठन में खींचतान के हालात हैं। कमलनाथ के नेतृत्व पर भी सवाल उठ रहे हैं, बीजेपी ऐसा कह रही है। बीजेपी नेता गौरी शंकर बिसेन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में गौरी शंकर बिसेन छात्राओं के साथ फोटो खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं और इस वीडियो को लेकर कांग्रेस को आपत्ति है और कांग्रेस पार्टी ने इस वीडियो को अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया, लिखा कि गौरी शंकर बिसेन बच्चियों के साथ शर्मनाक हरकत कर रहे हैं, इसे लेकर विवाद हो रहा है। कांग्रेस को लगता है कि बिसेन छात्राओं के साथ गलत तरीके से, आपत्तिजनक तरीके से उन्हें छूने और जबरदस्ती फोटो खिंचवा रहे हैं उनके साथ। तो मध्य प्रदेश में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है बारिश को लेकर। जबलपुर, शहडोल संभाग, भोपाल के लिए भी अलर्ट जारी किया है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर झमाझम बारिश की संभावना है। अब प्री मॉनसून बारिश दर्ज की जा रही है। अगले 4 से 5 दिन में पूरे मध्य प्रदेश में मॉनसून एक्टिव हो जाएगा, मौसम विभाग ऐसा कह रहा है। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। पीएम मोदी का 27 जून को भोपाल दौरा। वीडी शर्मा ने पीएम के दौरे को लेकर दी जानकारी। उन्होंने कहा कि पीएम का भव्य स्वागत के साथ करेंगे मध्य प्रदेश में ग्रैंड वेलकम। भोपाल के बाद इंदौर में भी सियासी पोस्टरबाजी, लगे कमलनाथ वांटेड के पोस्टर। पोस्टर में कमलनाथ को बताया करप्शन एक्ट। प्रदेश में लगे कमलनाथ के पोस्टर पर बोले पूर्व सीएम, मेरा राजनीतिक जीवन साफ, कोई नहीं उठा सकता उंगली। बीजेपी आदिवासियों को कर रही गुमराह। ग्वालियर में सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर बोला बड़ा हमला, कहा बौखलाहट में अधिकारियों को कोस रहे हैं कमलनाथ, चक्की ऐसी चली कि उनकी सरकार घुस गई। कमलनाथ ने ट्वीट कर सीएम शिवराज पर साधा निशाना, बोले शिवराज कर रहे हैं स्तरहीन भाषा का प्रयोग, लिखा सद्बुद्धि के लिए ईश्वर से करेंगे प्रार्थना। सीएम ने दी ग्वालियर को 777 करोड़ के विकास कार्य की सौगात, बीजेपी के दिग्गज नेता कार्यक्रम में रहे मौजूद। सीएम ने बहनों पर फूल बरसाकर किया स्वागत।
सीएम शिवराज का ग्वालियर और अहिल्या देवी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। उज्जैन में महाकाल लोक मामले को लेकर दिया धरना, नेता प्रतिपक्ष प्रदर्शन में हुए शामिल, महाकाल लोक का भी किया निरीक्षण। कांग्रेस जारी करेगी मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड, उठाएगी भ्रष्टाचार, कुशासन और कुप्रबंध के मुद्दे, 15 अगस्त के बाद जारी किया जाएगा कामकाज का रिपोर्ट कार्ड। एमपी के बड़े शहरों में पैठ बैठाने के लिए कांग्रेस का मेगा प्लान, 4 महानगरों की 30 सीटों पर कांग्रेस की नजर, प्रदेश के 4 नगरों में होगी बड़े नेताओं की जनसभाएं। एमपी कांग्रेस में लगातार हो रही अनुशासनहीनता, नियुक्तियां होल्ड और निर्णय बदलने से सवालों के घेरे में संगठन, बीजेपी ने बोला हमला।